नमस्कार, आपका स्वागत है ई हापुड़ न्यूज़ के पॉडकास्ट बुलेटिन में। पेश हैं जनपद हापुड़ की बड़ी खबरें। गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले दो शातिर लोगों को दबोचा। बाबूगढ़ के गांव कनिया के एक परिवार में जमीनी विवाद का मामला, 5 गिरफ्तार। प्लखवा में खाली प्लॉट में शव मिलने से मची सनसनी, मृतक की हुई शिनाख्त। हापुड़ देहात के गांव असोड़ा में पति ने पत्नी को भी सड़क पर पीटा, वीडियो हुआ वायरल। HPDA ने बाबूगढ़ में 22 दुकानों समेत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सील किया, मचा हड़कंप। हापुड़ के सराफा बाजार में कूड़ा ने उठने से व्यापारी परेशान। हसन आतिफ बने कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के जिला चेयरमैन, लोगों ने दी बधाई। हापुड़ के ताराचंद इंटर कॉलेज के सामने गोदाम में आग लगने से मची अफरा तफरी। बुलेट से पटाखा आवाज़ निकालने वाले पुलिस के हत्थे चढ़े, 29 वाहन सीज। बाबूगढ़ पुलिस ने महिलाओं के कानों से कुंडल छीनने के आरोप में लुटेरी महिला सहित दो लोगों को किया गिरफ्तार, कुंडल व नकदी बरामद। रिश्वतखोरी के मामले में किसानों का हापुड़ तहसील पर प्रदर्शन। प्लखवा पुलिस की बीती रात हुई गोकश से मुठभेड़, एक घायल।